पहले खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां चुनाव आयोग से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर यह मुलाकात हुई है। चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर शिकायत की गई है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर यह मुलाकात हुई, चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर शिकायत की गई। दरअसल चुनाव आयोग से ये प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा है और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर यह मुलाकात, जिसमें चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर शिकायत की गई, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया, ईवीएम को लेकर के इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की गई। तो बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस में हलचल तेज है। दरअसल चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और अब इस दौरान कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा है, इलेक्शन कमीशन से ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर शिकायत की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर के आरोप लगाया गया और ये आरोप के तहत मुलाकात, और इस मुलाकात में ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रणय हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन से मिलने पहुंचा और इस दौरान ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय बान, पवन खेड़ा, अशोक गहलोत, ये सब कांग्रेस के नेता थे जो इस दौरान मौजूद थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से जो ईवीएम की बैटरीज थी उनकी लगातार शिकायत आ रही थी, खास तौर पर कई बैटरियों के खराब होने की भी बात सामने आई है। कई बैटरियों की ये भी बात सामने आई है कि जिस दिन काउंटिंग थी उस दिन बैटरी जो थी वो कम दिखा रही थी। इस बात को कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग से अवगत कराया है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि तमाम मशीनें जिनके बारे में शिकायत की गई है उन मशीनों को चेक कराया जाएगा, उनकी जाँच कराई जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है उदय भान, उन्होंने शिकायत दी है कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द इन शिकायतों पर कार्रवाई करे और उन मशीनों को सील कर देना चाहिए ताकि उससे कोई भी छेड़खानी ना हो। ये जो आरोप है ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। इसके अलावा एक ये भी आरोप लगाया गया कि पोस्टल बैलेट्स में लगातार कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी। ये जानकारी भी चुनाव आयोग की तरफ से अपलोड की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बनी हुई है, लेकिन उसके बाद तुरंत ये कांग्रेस पीछे हो जाती है और बीजेपी आगे हो जाती है। इस बात को लेकर भी जो शिकायत है वो चुनाव आयोग के सामने रखी गई है। बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन इस बीच ये सिलसिला चुनाव की जो मतगणना हो रही थी उसी दौरान शुरू हो गया था। कुछ आरोप इलेक्शन कमीशन पर भी लगाए गए। चुनाव आयोग की वेबसाइट में इलेक्शन को लेकर के जो मौजूदा स्थिति थी उसे अपडेट नहीं करने का आरोप लगाया गया। तो कुल मिलाकर के अब नतीजों के सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कांग्रेसी नेताओं की, वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी, उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती।
और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने क्या आश्वासन? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, ये सारे हमने दिए हैं। जो उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेन की थी उसकी कॉपीज हैं, वो सब हम वहाँ दे चुके हैं, लेकिन अभी 13 और हैं जो शिकायतें आ रही हैं और वो भी हम अगले 48 घंटे में दे देंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी पूरा मसला, जो राजनांदगांव है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी इसी तरह की कंप्लेंट्स थी, उसका भी हमने इन्हें फिर से स्मरण कराया। लेकिन उदयभान जी, इस तरह से पवन खेड़ा जी इलेक्शन कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे, तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है। और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। जो 99% 95% 90 से जो अबव है उनमें सबसे ज्यादा उनमें ही बीजेपी का सारा हुआ है, जहां 60-70% है वहां पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई, जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी, 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है, उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है। इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है और हमें पूरे जनता के समक्ष इस को बात को रखें कि इसका क्या कारण है। ये पूरा संदेह का और वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने उस चीज को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाई उसे मशीन के साथ में। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियां हम ये चाहते हैं, हमने कहा है कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। देखिए, आप भी थे, पूरा देश है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ही आए थे, लेकिन ये हुआ। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस करने जाती है। डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कंप्लेंट है 30 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न में कंप्लेंट आ गई है, वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती की जाए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई, ऐसे कई कंप्लेंट्स हमने दी है और इलेक्शन कमीशन ने अशोर किया वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं। और साहब, ये तो ईसी से शिकायत आप लोगों की हुई है, लेकिन अगर इस आप लोगों की जो शिकायत है उसको अगर खत्म नहीं किया गया तो आगे क्या रुख रहेगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्स उसके बाद बताएंगे आप। धन्यवाद।
तो पवन खेड़ा, उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे आप, जहां लगातार ईवीएम पर आरोप लगाते हुए नजर आए, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए और अब इलेक्शन कमीशन से मिलने पहुंचा है कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, जहां चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई गई। बता दें कि इस दौरान लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहा कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी और जिस तरह से ईवीएम के नतीजे जब सामने आना शुरू हुए तो उसमें अचानक से बीजेपी को बढ़त दिखाई गई और अंततः बीजेपी को जीत घोषित की गई। सीधे तौर पर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब ये जांच का विषय बन गया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मिलने पहुंचा है कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल। हालांकि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच होती है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ आदेश निकल करके सामने आते हैं, क्या कुछ फैसला लिया जाता है, ये एक देखने का विषय बना हुआ है। लेकिन अब हरियाणा में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल और ज्यादा तेज हो गई है।